इस्लामाबाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफ़िका राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनाजर में समझने में मददगार होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल न मिलने के सुप्रीम कोर्ट की राय पर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो पीपी कायदत और कारकुनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं मगर संगीन गलती के एतराफ से नई रवायत कायम हुई है। रावलपिंडी अडियाला जेल में तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते 3 अफगान दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशत गर्दों से हैंड ग्रेनेड समेत खुदकार हथियारों समेत असलाह गोला बारूद बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी की अडियाला जेल में तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। वाशिंगटन अमेरिका ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद का खैर मुकदम करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन में तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मुकदम करता है और दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के 26 दिन बाद फार्म 45 वेबसाइट पर जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और चारों सूबाई असम्बली के हलकों के फार्म जारी किए हैं। फार्म 45, 46, 48, 49 भी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फार्म हल्का वाइज जारी किए हैं।